नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। गोयातून रिलायन्स प्रकल्पाचे वीज कबलातीचे रापाक दुबाव, 3 ते 4 पट प्रेसान गोयकारांच्या माथ्यार हजारांनी कोट्यांची वीज, टेंडरांत गुड्डुलसाव, सिसोदियाचे हेडोनात वक्तव्य। शिरोड्या बाजारांत कॉलिसाचो 2 मोटरसायकलींक धपको, एकलो आगताक गेलो, 4 भलायकी हुस्क्याची, घाले जीएमसींत 15 जखमी, चूक कॉलिसवाल्याची। गोयची वेचणूक दर खेपे जाता हायटेक, मतदानाची माहिती एकठांय करपाक खासा सॉफ्टवेअर, मतदान वा कागाळींचेर अपडेट माहिती अधिकाऱ्यांक पणजे मेरेन, पळयात रिपोर्ट। बीजेपी साश्टीन करता पाळामुळा घट, गोवा विकास पक्षा उपरांत तारवटीच्या संघटनेचो बीजेपीक तेको, खासगी बसवालय बीजेपीचे फाटल्यान। पुणेच्या चिरंजीवी जिमनेजियमाचे अखिल गोय बॉडी बिल्डिंग सर्तींत विशांत गावडे मिस्टर गोवा, वजना प्रमाण 6 गटांत सर्त। आणि 15 गोयचे शारा शारातले शिगम्याचे उत्सव सोपता सोमारा पाडव्यान, पळयात सांगे कुंकळेचे रोमटामेळ, चित्ररथ, दिवचल फोंडेचे वीरभद्र, धारगळे शांतादुर्गेचो गुलाल। खबर विस्तारान, दिल्ली भशेन गोयातूय रिलायन्स प्रकल्पाचे वीज कबलातीचेर आपान दुबाव उक्तायला। ही कबलात करून 3 ते 4 पट प्रेसान म्हारग वीज गोंयकारांचे माथ्यार मारल्या आणि राज्याचे तिजोरेक हजारांनी कोट्यांचो फटको बसला म्हूण आपाचो ज्येष्ठ फुडारी मनीष सिसोदियान मुद्दो काढला। रिलायन्साचो नाफ्ता प्रकल्पाक कोंत्राद मेळचो म्हूण टेंडरांनी गुड्डुलसावां केली म्हूण सिसोदियाचो दावो। सिसोदियान प्रुडंटाक हेडोनात खासा मुलाखत दिली। एक बड़ी चीज जो गोवा के बारे में है वो गुजरात के बारे में ये बात है कि इस देश को अंबानी और अडानी जैसे लोग चला रहे हैं। गोवा में 1995 से रिलायंस के हाथों में खेल रही है सरकार बिजली के मामले में। बाकी सारी कंपनियों से 3 रुपये में खरीद रही है, 4 रुपये में खरीद रही है, उससे भी कम में खरीद रही है। रिलायंस से जब खरीदने की बारी आती है तो 15 रुपये में खरीदती है बिजली, और कांग्रेस भी खरीदती रही है और बीजेपी भी खरीदती रही है। पिछले साल उसको 9 रुपये किया गया, पर अभी भी 9 रुपये और 3 रुपये में बहुत अंतर है। के लोगों को लूटा जा रहा है, 25,000 करोड़ का स्कैम पे कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको नहीं चलाना आ रहा या हमको नहीं चलाना आ रहा। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया, वही जो बिजली वाला मैं बता रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि सिर्फ वही बिजली कंपनी अप्लाई कर, वही कंपनी अप्लाई कर सकती है जिनको नाफ्ता का एक्सपीरियंस होगा। ये पूरा का पूरा टेंडर मैनिपुलेट कर देते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाना कहते हैं। आप तो मीडिया से रिलेटेड है, क्या आपको लगता है कि इतना मीडिया गंदा हो चुका है कि आम आदमी पार्टी जैसे एक नया एक्सपेरिमेंट है, हमारे गणतंत्र के लिए अच्छा एक्सपेरिमेंट है, उसको भी नीचे खींचने का काम मीडिया करेगा? मीडिया का हिस्सा तो बहुत खराब है। मीडिया आपको पन्ने पे पन्ने दिखा रहा था, 24 घंटा आपका अनइंटरप्टेड कवरेज करता था, उस वक्त ये मीडिया आपको गलत नहीं लगा? नहीं, उस वक्त हमको नहीं, जब उस वक्त अंबानी नहीं थे, उस वक्त अडानी नहीं थे, और अभी आ गए। उस वक्त भी अंबानी थे, उस वक्त भी अडानी थे, इस मीडिया की वजह से ही वो लोग डर गए। एक समय पे मीडिया ठीक काम कर रहा था, हमने तो नहीं कहा जी हमें दिखाओ, हमने तो नहीं कहा जी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया को लगा अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया ने दिखाया। लेकिन मीडिया जो, हम आज भी नहीं कह रहे मीडिया हमें दिखाए, हम नहीं कह रहे हमारे ऊपर 10-10 पेज खर्च करें, हम तो कह रहे हैं कॉलम ना खर्च करें, पर आप अगर एक लाइन भी लिखो तो फैक्चुअली करेक्ट है। शिरोड्या आयतारा दनपरा जाल्ले भयानक एक्सिडेंटांत एका कॉलिसान 2 मोटरसायकलींक स्पीडीर धपको दिलो, मोटरसायकली वेलो एकलो आगताक गेलो, उरिल्ल्या 4 भलायकी हुस्क्याची आशिल्ल्यान जीएमसीन घाल्यात। 8 शिरोड्या हेल्थ सेंटरान घाले। एक्सिडेंट पळोवपी म्हणटात चूक कॉलिसवाल्याची, एके मोटरसायकलीचेर तीग आनी दुसरे मोटरसायकलीचेर जोडपे आशिल्ले, कॉलिसाचे ड्रायव्हराक पुलिसांनी धरलो। शिरोड्या पुलीस चेकपोस्टा कडेन आयतारा दनपारा हो भयानक एक्सिडेंट जालो। एके कॉलिस गाडयेन 2 मोटरसायकलींक फूल स्पीडीचेर धपको दिलो, धपक्या सरशी एकलो मोटरसायकल चलोवपी आगताक गेलो,
ताच्या फाटल्यान बशिल्ले चलयेची भलायकी सामकी हुस्क्याची आसा. ते चलयेचेर हॉस्पिसियोत उपचार चलल्यात. मोटरसायकली वेले हेर तीग जाणांचेरूय हॉस्पिसियोत उपचार चलल्यात. एक मोटरसायकलीचेर तीग जाण आशिल्ले, तांकां बरोच मार लागला. ॲक्सिडेंटा उपरांत कॉलिसातल्या 8 जणांक शिरोड्या भलायकी केंद्रात घाले. ह्या अपघातात सगळे मिळून 15 जणांक मार लागला. ॲक्सिडेंट पळोवपी जेरम कुलासो सांगता ते प्रमाण कॉलिसाचो ड्रायव्हर सामको रफ चलयतालो. शिरोड्याच्यान वयतालो तेन्ना एक कॉलिस ओवरटेक करून गेली म्हाका, आणि पुढे मागीर ओवरटेक करून तो फास्ट गेलो. आणि तिंगा शिरोडा पोलीस स्टेशना कडेन एक दोग तीग जाण मोटरसायकलीक ताणें धपको मारून ते 3-5 जण लोकांक उडयलो. तितून एकटो दादलो आसलो, तो ऑन द स्पॉट गेलो. कॉलिसाचो ड्रायव्हर हडिवप्पा हरिजनाक फोंडेच्या पोलिसांनी धरला. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आणि विवेक प्रभू. गोयची वेचणूक दर खेपे हायटेक जायत वता. फाटले फावट सगळी मतदान केंद्रां नेटवर्क केली. हे फावट गोवा इलेसान मतदानाची माहिती एकठांय करपाक खासा सॉफ्टवेअर तयार केला. एखादे मतदान यंत्राविषयी वा मतदारांच्या ओळखीविषयी कितेंय कोफुसाव वा कागाळी असल्यार पोलिंग अधिकारी व हे यंत्रणेवरवी वेले अधिकाऱ्यांक संपर्क करतले. मतदानाची सेगीत अपडेट माहिती अधिकाऱ्यांक पणजे बशिल्ले कडेन मेळटली अशी व्यवस्था ह्या सॉफ्टवेअरान केल्या. पळयात रिपोर्ट. गॅदर दी ॲक्च्युअल पोलिंग डेटा फ्रॉम ऑल दी 1622 पोलिंग स्टेशन्स अँड फॉर दॅट पर्पज वी हॅव Goa Electronics Limited has already prepared a software. We have trained our BLOs, booth level officers, to send SMSs. There are 18 such SMSs which will be sent throughout the day. It will start from the time the polling party has been dispatched to their respective location to the receipt of the EVMs at the receiving point. In that interregnum, there'll be 18 SMSs which will be sent. 5 such SMSs about the total number of voters who cast their vote, male, female, 18 years, all such data would be sent by SMSs by BLOs to a central server location. So this location, the server would be updated automatically and we'll be getting data. नवे मतदार मतदानाक नेटान भायर सरचे म्हण वेचणूक आयोगान कॅम्पस एम्बॅसिडर नेमल्यात. देर इज अनदर कमिशन हॅज केप्ट अ प्रोव्हिजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॅम्पस एम्बॅसिडर सो दॅट द यंग वोटर्स हू हॅव अटेन्ड द एज ऑफ 18-19 कॅन बी मोटिवेटेड टू कास्ट देअर वोट्स. अँड वी हॅव आयडेंटिफाईड ऑल मेजर हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स वेर वी हॅव अपॉइंटेड कॅम्पस एम्बॅसिडर्स. दीज कॅम्पस एम्बॅसिडर्स वेर ट्रेन्ड अँड ट्रेनिंग ऑफ 45 nodal officers were organized on 6th of February and campus ambassadors were trained on 7th of February. वेचणुके वेळा बरे वाईट गजालींचर नजर दौरूक 35 फ्लाइंग स्क्वॉड नेमल्यात. In North Goa, we have 15 flying squads and South Goa 20 flying squads. Total 35 flying squads are being deployed. In each of the district, you have one media monitoring committee. You have total 27 video surveillance team and 6 video viewing team in North Goa and 7 in South Goa, so that makes 13. Total 15 static surveillance team. Apart from this, to check the illicit movement of liquor, we have 6 teams in each of the districts of excise department working. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय.